हेलो माय डेयर स्टूडेंट्स वेलकम टू ई कर पॉइंट जेई पावरफुल कॉन्सेप्ट्स इन मैथमेटिक्स की सीरीज में आपका स्वागत है और आज हम मोनाटोनोसिटी जो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का एक मेजर चैप्टर है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों जहाँ पर आपको फंक्शन दिया जाता है उस फंक्शन को मोनाटॉनिक बोला जाता है या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग और उस फंक्शन में कोई अननोन होता है उस अननोन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है इस प्रोफाइल में मैंने देखा है कि कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं मिस्टेक्स करते हैं लेकिन अगर आप बेसिक फंडामेंटल को ढंग से लेकर चलेंगे तो इस प्रोफाइल के क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं और आसानी से आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैं जिस तरह के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं एक बार आपको पहले वो कॉन्सेप्ट दिखाता हूं वो प्रोफाइल समझाता हूँ फाइंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए ए का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स फॉर विच द फंक्शन एफेक्ट्स

क्या खास बात होती है ये समझने के लिए अब एक बार आप इसको प्रोफाइल का सोल्यूशन देखिए कि कैसे इसको हैंडल किया जाता है ऑफ कोर्स हमें फंक्शन को इंक्रीजिंग चाहिए तो मैं इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ एफ डैश एक्स निकाल लिया जाए ये आ जाएगा टू टाइम्स ऑफ कॉस टू एक्स माइनस एट टाइम्स ऑफ ए प्लस वन इन कॉस एक्स प्लस फोर ए स्क्वेयर प्लस एट ए माइनस फोर्टीन इंटू एक्स था उसका डेरिवेटिव वन हो जाएगा एंड दिस इज बीइंग कंसीडर्ड एज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर राइट अब देखिए यहां पर दो वेरिएबल्स हो रहे हैं एक एक्स है और एक ए है एक्स के लिए आपको ऑल रियल एक्स बता रखा है यानी कि ये पूरा इनिक्वालिटी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए सेटिस्फाई हो रहा है वैल्यू किसकी निकालनी है ए की निकालनी है तो सबसे पहला काम तो सिंप्लीफाई किया जाए ट्रिग्नोमेट्री एनी क्वालिटी बन रही है यहां कॉस एक्स है यहां कॉस टू एक्स है तो हम इस कॉस टू एक्स को कॉस चेंज कर लें। तो कॉस एक्स में क्वाड्रेटिक बन जाएगी राइट right? सबसे पहले मैं टू कॉमन ले सकता हूं तो यहां मैं इसको लिखूंगा कॉस टू एक्स माइनस फोर टाइम्स ऑफ ए प्लस वन इंटू कॉस एक्स प्लस टू ए स्क्वेयर प्लस फोर ए माइनस सेवन ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू Okay? कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये बन जाएगा टू कॉस एक्स माइनस वन माइनस वन कॉस एक्स प्लस टू ए स्क्वायर प्लस फोर ए माइनस सेवन ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर अभी केवल सिंप्लीफिकेशन का काम हो रहा है टू फोर यहाँ पर भी टू कॉमन आ रहा है एंड दिस इज माइनस वन एंड माइनस सेवन ये दोनों मिलकर हो गया माइनस एट यानी इस पूरी इनिक्वालिटी से एक बार फिर से टू कॉमन आ जाएगा तो ये हमें मिलेगा कॉस स्क्स माइनस टू टाइम्स ऑफ ए प्लस वन कॉस एक्स प्लस ए स्क्वेयर प्लस टू ए माइनस वन माइनस सेवन माइनस एट हो गया तो यहाँ पर फोर बचेगा माइनस फोर एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर यहां तक सिंप्लीफाई हो गया अब हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है इन टर्म्स ऑफ कॉस एक्स अब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स यहां आकर क्या करते हैं कॉस एक्स को टी कंसीडर करते हुए इसमें क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते हैं वो आप कर सकते हैं लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली लेंदी हो जाएगा ठीक है क्यों क्योंकि कॉस एक्स में क्वाड्रेटिक बन रही है यानी टी में क्वाड्रेटिक बन रही है और उस क्वाड्रेटिक का ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ग्रेटर देन जीरो चाहिए वहां तक पहुंचने के बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं मैं आपको वो मिस्टेक्स पहले बताता हूं जो नॉर्मली स्टूडेंट्स किया करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में वो कंसिडर कर लेते हैं लेट कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी तो यह बन गया टी स्क्वे माइनस टू टाइम्स ऑफ ए प्लस वन इंटू टी प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए माइनस फोर ए स्क्वायर प्लस टू ए माइनस फोर एंड दिस इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर टी में क्वाड्रेटिक बन रही है टी में क्वाड्रेटिक बनाकर t less than zero because for all x belongs to R है all t belongs to R नहीं है तो अगर आपने केवल d less than zero करके condition को manage करने की कोशिश की जो कि quadratic का एक important concept है तो आपका answer सही नहीं आएगा उसका रीजन आप समझ लीजिए बिकॉज दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ टी नॉट इन टर्म्स ऑफ एक्स और आप ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर की कंडीशन को ऑल टी बिलोंग्स टू आर के साथ कंफ्यूज हो रहे हैं यहां पर टी का कंडीशन भी मेंशन किया जाना जरूरी है हियर टी बिलोंग्स टू टू यानी ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के साथ साथ यहां टी बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन की कंडीशन अप्लाई होगी और अब ये क्वेश्चन लोकेशन ऑफ रूट्स पर बेस्ड हो गया और उसमें आपको मल्टीपल कंडीशंस लगानी पड़ेंगी और आपका आंसर आ जाएगा इसलिए ये जो अप्रोच है ये अप्रोच इतना सुटेबल नहीं होता है और केवल d लेस देन जीरो से आपको काम नहीं करना चाहिए आपको थिर, थिर, जो कॉन्सेप्ट ऑफ जो लोकेशन ऑफ रूट्स है वो इसमें अप्लाई करना पड़ेगा और आपका आंसर डेफिनेटली आएगा लेकिन लेंदी हो गया मैं जो अब आपको समझाना चाहता हूं आप उस बात को समझिए हमें जो क्वेश्चन मिला था इस जगह पर था हमें cos x के लिए सॉल्व नहीं करना हमें ए के लिए सॉल्व करना है हमें एक्स नहीं निकालना हमें ए निकालना है तो आप कोशिश कीजिए ए को अलग कर लिया जाए इस इन को कुछ ऐसा मैनेज करें कि ए सेपरेट हो जाए और वो हो सकता है अब जरा ध्यान से देखिएन कंसिडर इट एज कॉस स्क्वास माइनस टू टाइम्स ऑफ ए प्लस वन इंटू कॉस एक्स प्लस ए प्लस वन होल स्क्वेयर माइनस फाइव ग्रेटर देन जीरो मैंने इसको ऐसे लिख दिया अब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू ए प्लस वन कॉस एक्स प्लस ए प्लस वन होल स्क्वेयर कॉस एक्स माइनस ए प्लस वन होल स्क्वेयर ग्रेटर देन फाइव ये आ गया और मेरा टारगेट है ए निकालना अब अगर मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा तो अब यह क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा राइट right? मुझे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ लोकेशन ऑफ रूट अप्लाई करना पड़ रहा था लेकिन ये रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है रिकमेंडेड अप्रोच अब ये हो गई है कॉस एक्स माइनस ए प्लस वन होल स्क्वेर एंड दिस इज ग्रेटर देन फाइव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर और मैं इसे अब सॉल्व कर लूंगा कॉस एक्स माइनस ए प्लस वन ग्रेटर देन रूट फाइव इट इज ग्रेटर देन रूट फाइव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर और कॉस एक्स माइनस ए प्लस वन लेस देन माइनस रूट फाइव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर ये कंडीशन सॉल्व की जाए और इसे भी एक्स के लिए नहीं ए के लिए सॉल्व करना है तो सब कुछ उधर शिफ्ट कर दीजिए एक साइड में केवल ए रख लीजिए को मैं उधर लेकर गया तो ये बन जाता है ए लेस देन कॉस एक्स माइनस वन माइनस रूट फाइव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स की हर वैल्यू के लिए ए की वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए ए इज अ कॉन्स्टेंट तो मुझे एक ही ऐसी वैल्यू चाहिए जो इस एक्सप्रेशन से हमेशा छोटी हो यानी इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू से भी छोटी हो जाए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है वो एक बार आप सोच लीजिए इसका मिनिमम वैल्यू माइनस वन माइनस रूट फाइव तो कांस्टेंट है कॉस एक्स ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर की बात कर रहा है यानी ए की वैल्यू इसकी लीस्ट वैल्यू से भी छोटी हो जाएगी तो हमेशा हर वैल्यू से छोटी होगी तो मैं इस एक्सप्रेशन की लीस्ट वैल्यू काउंट कर लूंगा और इसकी लीस्ट वैल्यू होगी माइनस वन माइनस वन माइनस रूट फाइव माइनस टू माइनस रूट फाइव ये मुझे ए का वैल्यू मिल गया ए मस्ट बी लेस देन माइनस टू माइनस रूट फाइव ये कैसे मिला सिंस ए इज ऑलवेज लेस देन दिस

एक्स की हर वैल्यू के लिए ए का वैल्यू इस एक्सप्रेशन से बड़ा होना चाहिए यानी इसकी हर वैल्यू से बड़ा होना चाहिए यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ा होना चाहिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी <laughs> इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब कॉस एक्स वन हो जाएगा बिकॉज रेस्ट थिंग्स आर कॉन्स्टेंट सो हियर ए मस्ट बी ग्रेटर देन रूट फाइव राइट सिंस देर इज और इन बिटवीन दीज टू केसेस ये मुझे यहां पर कंडीशन दिखाई दे रही है इसका मतलब ए बिलोंग्स टू दिस और ए बिलोंग्स टू दिस तो फाइनली मैं कंक्लूड करूंगा दैट ए बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू माइनस रूट फाइव यूनियन रूट फाइव टू इंफिनिटी ये ए की वैल्यूज होनी चाहिए ए मस्ट बिलोंग टू दिस इंटरवल इफ द फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग ये ए का रिजल्ट आ गया लेकिन अब आपको क्या बोला गया है ए नेचुरल नंबर है और ए की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू पूछी गई है रूट फाइव टू इंफिनिटी नेचुरल नंबर है तो ये इंटरवल तो खत्म हो जाएगा और ए नेचुरल नंबर बताया है तो इसका मतलब मिनिमम पॉसिबल वैल्यू थ्री होगी रूट फाइव से ग्रेटर ही आएगा सो एज ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सो डिजायर्ड वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू थ्री ए की जो डिजायर्ड वैल्यू है क्या है डिजायर्ड वैल्यू मिनिमम वैल्यू पूछा है आपसे और वो वैल्यू हो जाएगी तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो कुल मिलाकर कंक्लूजन यह है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें फंक्शन को मोनोटॉनिक बताया गया है और साथ में उस फंक्शन में कोई अननोन है और उस अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप कोशिश यह कीजिए कि उस अननोन के लिए उस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लीजिए रेस्ट ऑल थिंग्स मस्ट बी शिफ्टेड टू अदर साइड ठीक है जैसे मैंने ए, को, ए के लिए सॉल्व कर लिया तो ए के लिए सॉल्व करते हैं बाकी सब कुछ इधर शिफ्ट हो गया अब ए एक कांस्टेंट है एक ऐसा अननोन है जो इसकी हर वैल्यू से छोटा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल लीजिए उससे छोटा कर दीजिए ए हमेशा इससे बड़ा है यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए और इससे बड़ा कर दीजिए तो इस तरह से हम की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं जब हम ऐसे पर चले जाते हैं तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन बढ़ जाती है और लोकेशन ऑफ रूट अप्लाई करके जब आप कैलकुलेशन ज्यादा करेंगे तो मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं लेकिन यहां इनइक्वालिटी का लेवल कितना आसान हो गया आप देखिए और इस प्रोफाइल के बहुत से क्वेश्चन बनते हैं जिसमें अननोन पूछा जाता है तो उस अननोन के लिए आप कंडीशन को सॉल्व कर लीजिए रेस्ट ऑल थिंग्स शुड बी शिफ्टेड टू अदर साइड और आप इसकी वैल्यू अगर स्मॉलर चाहते हैं तो इसकी मिनिमम वैल्यू से छोटा कर दीजिए ग्रेटर चाहते हैं तो उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू से बड़ा कर दीजिए इस तरह से ए आपको फाइंड आउट हो जाएगा आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन और ये कॉन्सेप्ट जो है ये वाला रिकमेंडेड राइट सो दट वाईज नॉट रिकमेंडेड इट शुड बी दटर अप्रोच टू डी विद्ड ऑफ प्रोफाइल आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी स्टूडेंट्स और ऐसे क्वेश्चन को इस प्रोफाइल से मैनेज कीजिए और इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं पावरफुल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स उसके लिए इस चैनल पर बने रहिए हम रेगुलरली कोशिश करेंगे कुछ छोटे छोटे वीडियोस में आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट रेगुलरली देते रहें थैंक यू बाय बाय एंड टेक केयर ऑल द बेस्ट डाउनलोड ई करियर पॉइंट ऐप Best life online kota coaching at your home